जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेटर पाकिस्तान। आज एक माशाल्लाह आपको एक बहुत खूबसूरत हस्ती से मुलाकात करा रहे हैं। एक स्टोरी है सोशल वर्कर की, चीफ कलेक्टर कस्टम्स डॉक्टर आसफ महमूद जा, एक प्रोफेशनल एमबीबीएस डॉक्टर। डॉक्टर करने के साथ उन्होंने लोगों की खिदमत, एक तो डॉक्टर एज ए डॉक्टर काम करना होता है, फिर सीएसएस किया है उसके बाद, फिर लेकिन जो डॉक्टर का प्रोफेशन है वो नहीं छोड़ा, उन्होंने सोशल वर्कर का काम शुरू कर दिया है कि लोगों की खिदमत की जाए। ये इनसे स्टोरी सुनेंगे, उनकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन हैं और ये सारे के लिए आप इसको ट्यून करें और शेयर करें दूसरों के साथ ताकि आप अपने आप को इंस्पायर कर सकें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान में अच्छे अच्छे काम नहीं होते या कैसे करें, वो लोग कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता है। वो आज डॉक्टर साहब से सुनेंगे कि और लोग कैसे शुरू कर सकते हैं, अगर आप अलहदा नहीं शुरू कर सकते तो जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं उनके साथ अपने हाथ कैसे अपने आप को जोड़ सकते हैं, क्योंकि अच्छे लोगों का आपस में जुड़ना जो है ना वही एक कामयाबी है और उसी से हम बहुत सारे मसाइल को हल कर सकेंगे। तो चलें, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू बेटर पाकिस्तान। आई एम योर होस्ट मोहम्मद सिदीक फ्रॉम अटलांटा जॉर्जिया, द को ऑथर ऑफ न्यू सक्सेस सीक्रेट्स। आवर्स इज ए स्ट्रिक्टली नॉन पोलिटिकल फोरम। वी नीदर आस्क नॉर इंटरटेन पोलिटिकल क्वेश्चन और आंसर्स। We discuss public welfare and technology acting as a bridge between Pakistan and expats for a better Pakistan. जी डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी सदीक साहब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। तो हम जी आपसे बात शुरू करते हैं डॉक्टर साहब, जी आपने MBBS किया है एक, और उसके बाद आपने CSS किया है, और उसके बाद आप कस्टम जी में चले जी गए हैं, FPR में चले गए हैं, इसके जी साथ साथ सोशल वर्क कैसे शुरू किया है? क्योंकि बहुत सारे लोग तो इन सारी चीजों को आपसे, एक तरह के रोल मॉडल, आप हमारे रोल मॉडल हैं, आपसे सीख के हम जी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, और बहुत सारे आपके लोग साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, शामिल हो जाएं जी जी ताकि लोगों को इंस्पायर कर सकें आपकी स्टोरी से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। बेसिकली सदीक साहब, मैं बेसिकली एक डॉक्टर हूं और मेरा पैशन जो है वो मेडिसिन है, लोगों की खिदमत का है। मैंने MBBS किया किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर से। तो मैं जब किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में सदीक साहब पढ़ा करता था, तो थर्ड ईयर में जब हम आए तो मैं न्यू हॉस्पिटल के कॉरिडोर से गुजरा करता था। तो मैं लोगों को देखता था कि एक बूढ़ी औरत बैठी है, एक बूढ़ा मर्द बैठा है और उनके हाथ में एक पर्ची है। तो मैंने उनसे पूछना, मेरा दिल करना मैं पूछूं तो सही कि बाहर बैठे हैं। वो चेहरा, उन्होंने उनका अफसरदा सा चेहरा बना के कहता, पुत्र डॉक्टर नु तो दिखा लिया मगर दवाइयां दे पैसे नहीं है। तो उस वक्त मेरे जहन में एक बात आती थी कि अल्लाह मियाँ डॉक्टरी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो मैंने एक ऐसा अदारा जरूर बनाना है कि जहाँ पेशेंट का चेकअप भी होगा और फिर पेशेंट को स्पेशलिस्ट डॉक्टर चेक करेगा, पेशेंट के टेस्ट भी उधर ही हो जाएंगे और फिर उनको दवाइयाँ भी सारी मुफ्त मिलेंगी। उस वक्त इस बात का कोई तसव्वुर नहीं था। तो वो उस वक्त मैं ये सोचा करता था। तो जब MBBS कंप्लीट हुआ, हाउस जॉब किया, तो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में ही रह रहा था। तो उन दिनों में बड़ा रिवाज था कि डॉक्टर सारे के सारे CSS कर रहे थे। तो हमारा भी मूड बन गया कि CSS करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इम्तहान पास किया और कस्टम सर्विस में मेरी आई। और मैंने पहले दिन से सिविल सर्विसेज एकेडमी जब ज्वाइन की तो मैं अपनी दवाइयों की पोटली जो है ना वो साथ ले गया। और मैंने पहले दिन ही जब इंटरेक्शन हुआ लोगों से, मैंने कहा जी किसी को कोई मसला हो, किसी को कोई हो तो मैं हाजिर हूँ, रात के किसी वक्त भी आप मुझे बुला सकते हैं। तो यूं माशाल्लाह ये सिलसिला जो है ना सिविल सर्विस के पहले दिन से ही शुरू हो गया। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने ट्रेनिंग, पहले कॉमन ट्रेनिंग हमारी होती है वाल्टन एकेडमी में, उसके बाद कराची में हमारी स्पेशल ट्रेनिंग होती है, STP उसे कहते हैं। और फिर जब पोस्टिंग हो गई तो पहला मेरी पोस्टिंग मुल्तान में हुई, तो मैंने वहां अल्हम्दुलिल्लाह पहली डिस्पेंसरी बनाई और वहां अल्हम्दुलिल्लाह इलाज मालजे का सिलसिला शुरू हो गया। और वो सफर जो 92 से शुरू हुआ था आज तक जारी और सारी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वो वाहिद, मेरा ख्याल है ब्यूरोक्रेट होऊंगा कि जो जिसने सिविल सर्विस में आने के बावजूद भी डॉक्टरी से अपना नाता नहीं तोड़ा। आई एम प्राउड टू बी ए डॉक्टर। मेरी शनाख्त एक डॉक्टर की है, मैं जहां भी जाता हूँ अपने आप को डॉक्टर इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। और फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से अपना काम को डिवाइड किया कि 9 to 5 मैंने सोच लिया कि मैंने, क्यों चूंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे असिस्टेंट कलेक्टर की हैसियत से जो जिम्मेदारियां तफवीज की हैं
और मैंने वो पूरी करनी है 9 to 5, और फिर मेरा अपना टाइम मगरिब से इशा का टाइम मैंने अपना क्लिनिक बनाए माशाल्लाह। अब जो चूंकि मेरी पिछले ज्यादातर नौकरी मैंने लाहौर में ही की है, तो पिछले 2 साल से मैं पोस्टेड हूँ इधर इस्लामाबाद में चीफ कलेक्टर नॉर्थ, और यहाँ मैं देख रहा हूँ के पी के गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद। अब वो मेरी जगह जो मेरी बेटी माशाल्लाह दूसरी जनरेशन आ गई है, तो वो मेरी सीट पे मेरे क्लिनिक में वो लाहौर में बैठती है, और इधर आके माशाल्लाह पाकिस्तान में मुखय्यर हजरात की तो कमी नहीं है। तो मेरे जहन में आया कि मैं इस्लामाबाद आया हूँ तो यहाँ भी कोई सेंटर होना चाहिए। तो एक मोहतरमा जो स्कूल हेडमास्टर रिटायर हुई थी, तो उन्होंने वो हमारे कभी कभार हमें डोनेशन देती रही थी, उन्होंने कहा जी मेरी जो सारी जिंदगी भर की कमाई है मैं आपको देना चाहती हूँ कि आप एक हमारे वालदैन के नाम से एक मेडिकल सेंटर बना दें। तो बाराको में हमने माशाल्लाह एक अलमराज हबीब ट्रस्ट उनके वालदैन के नाम से, तो वो माशाल्लाह चल रहा है, और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हमारी डिस्पेंसरियां हैं, वेलफेयर सेंटर हैं, और 2005 के जलजले से लेके COVID-19 तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी मुल्क में आफत नहीं है कि जिसमें सबसे हमने फ्रंट लाइन वर्कर की हैसियत से काम किया, लोगों को रेस्क्यू किया, लोगों को रिलीफ मुहैया किया, लोगों को रिहेबिलिटेट किया, माशाल्लाह घर 1000 से ज्यादा घर बनवा के दिए लोगों को, जिसमें वो खुशी खुर्रम रह रहे हैं। हमारी मुल्क के हर सूबे में डिस्पेंसरियां हैं, और अभी ये विंटर गुजर रहा है तो हमने माशाल्लाह विंटर पैकेज को 5000 फैमिलीज को विंटर पैकेज मुहैया किया, जिसमें रजाइयाँ, गर्म कपड़े, नए सूट्स वगैरह। तो माशाल्लाह मुल्क भर से बल्कि दुनिया भर से लोग जो USA से माशाल्लाह बहुत सारे लोग हमारे साथ कोलैबोरेट करते हैं, और मेरे जो दोस्त डॉक्टर्स हैं USA में, कनाडा में, बर्तानिया में, वो सारे हमारे साथ तावन करते हैं। और मेन हमारा काम जो आजकल जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप देखें पानी जो है ना, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक ऐसा ह्यूमन राइट है कि हर एक को वो मुहैया होना चाहिए। हमारे मुल्क में वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर लोगों को मुहैया नहीं है। मैंने इन आंखों से देखा है कि बच्चियां घड़े से पानी, जो गंदे जोहड़ का पानी घर लेके जा रही थी। एक पिछले दिनों मेरा हादसा भी हुआ, तो मैं हादसे के दौरान ही मुझे एक वीडियो आई, वायरल हुई, कि दादू के इलाके में एक जोहड़ है और उसमें बच्चियों ने अपने बर्तन रखे हुए हैं, वो पानी घर लेके जा रही है। मैंने अपनी टीम वहीं, मैं हॉस्पिटल से घर आ गया था तो अभी हो रहा था, ठीक हो रहा था, तो मैंने अपने टीम को कहा, मैंने कहा फौरन दादू पहुंचो और जाके देखो क्या सूरत है। उन्होंने दूसरे दिन ही दादू पहुंच के मुझे बताया कि वाकई वहां ये सूरत हाल है कि, और फिर आपको पता है कि वाटर बॉर्न डिजीजेज, वो उनके पेट खराब, उनको टाइफाइड, उनको सारी जो वाटर बॉर्न कम्युनिकेबल डिजीज है वो हो रही हुई थी। तो हमने माशाल्लाह उस इलाके में जाके, अमेरिका में ही रहती हैं शायदा सुल्तान साहिबा, अलबासत फाउंडेशन है, उन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेट किया। तो अभी तक हम तकरीबन 200 हैंडपम्प छोटे और बड़े वहां लगा चुके हैं और उनको मीठा पानी मुहैया किया जा रहा है। तो इसी तरीके से थर के सहरा में 2014 की बात है कि थर में कहत आया, बच्चे प्यासे मरने लगे, बच्चे भूख से मरने लगे, तो हमने कहा कि हमने प्यासे थर को सैराब करना है। और थर में हम पहुंचे, पहुंच के हमने वहां देखा, तो मैं आपको सिद्दीक साहब बताऊं कि वहां थर में हमने कैंप लगाया हुआ था, हिंदुओं का गोड़ था, और फिर वी वर्क विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कलर, क्रीड और रिलीजन। अब मतलब थर में ज्यादातर जो है ना हिंदू आबाद हैं, हिंदू बाज इलाकों में 100% हिंदू हैं, मुसलमान को 20% या 30% है, बाज इलाकों में मुसलमान 50% से ज्यादा हैं। तो हमने विदाउट एनी डिस्क्रिशन और ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं। सुल्ले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि खैरुन्नास मन यनफाउन्नास, आप में से बेहतर वो है जो दुनिया इंसानों की भलाई के लिए काम करता है, मुसलमानों की भलाई की बात नहीं है। कुरान पाक में भी ये है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो हम इस नोशन के जरिए, ये स्पिरिट है हमारी, काम करते हैं। हमने 1000 से ज्यादा वहां मीठे पानी के कुएं बनवाए हैं, और जो कुएं 450 से ज्यादा हिंदुओं के गोटों में स्पेसिफिकली फॉर हिंदू कम्युनिटी वो बनवाए हैं और उन्हें बनवा के दिए वहां। माशाल्लाह थर में जो है हिंदू मुसलमान जो है ना, खबरें तो अखबारात में, मीडिया में
आती रहती हैं कि वहाँ हिंदू सप्रेस है, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। हिंदू और मुस्लिम वहाँ हार्मनी के साथ रह रहे हैं, यूनिटी के साथ रह रहे हैं। दोनों का प्रॉब्लम क्या है? दोनों का प्रॉब्लम पावर्टी है। हमने पावर्टी एलिविएशन के लिए कुएं 1,000 जो बनवाए हैं, तो उसमें हमने उनको रोजगार भी मुहैया किया है कि वही लोग कुएं खोदने में लगते हैं और उनको जो हाफ ऑफ द अमाउंट, अगर 2 लाख कॉस्ट है कुएं की, तो 1 लाख जो है उनको लेबर चार्जेस मिल जाते हैं, यानी उनको रोजगार भी मिल गया, मीठा पानी भी मिल गया। और फिर हमने पिछले 2 साल पहले हमने सोचा कि माशाल्लाह ये तो यहाँ पानी तो निकल आया। तो एक मैं गया हुआ था अपनी टीम के साथ, तो उन्होंने मेरे पास आए, उन्होंने कहा साई हमारी 10 एकड़ जमीन है और बाप दादा के दौर से पड़ी हुई है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम यहाँ जो है ना उनको यहाँ कोई फसल उगा सकें, और अगर पानी का सही इंतजाम हो जाए तो हम जो है ना फसल उगाने के काबिल हो सकेंगे। और यहाँ देखेंगे आप कि यहाँ गंदम भी उग रही है, प्याज भी उग रहे हैं, सब्जियां भी उग रही हैं, जानवरों के लिए चारा भी बन रहा है। तो वो माशाल्लाह हमने जैसे वजीर आजम पाकिस्तान ने क्लीन ग्रीन पाकिस्तान स्कीम शुरू की थी, तो हम इन लाइन विद दैट हमने वो ग्रीन थर फार्म कैंपेन शुरू किया। और माशाल्लाह वहां तो मैं आपको क्या बताऊं कि आप देखें तस्वीरें मैंने आपको फॉरवर्ड की थी, तो वो ऐसे लगता है पंजाब जैसे लहलहाते खेत, हमने थर के सेहरा को जहां रेत उड़ती थी उसको गुले गुलजार बना दिया, और वहां अब गंदम भी उग रही है, वहां चारा भी उग रहा है, वहां सब्जियां भी, और ऐसी बड़ी बड़ी सब्जियां पैदा हो रही हैं कि गुमान होता है कि ये तो पंजाब से हो रहा है। वर्जन लैंड थी, उसको पानी मिला, उसकी सही कल्टीवेशन हुई। और फिर हमने ये किया ना कि वहां हम लोगों से जो गोट जिसकी जमीन होती है उससे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई ये हम आपको पानी का इंतजाम करके देंगे, आपकी जमीन को कल्टीवेट करेंगे, आप ऐसे करेंगे 30% ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड है ना वो आप रखें, 30 रख लें या 40 रख लें, बाकी 60% है आप लोगों को तकसीम करेंगे। तो ये माशाल्लाह हमने वहां किया। और फिर थर की औरत जो है वो बेचारी सुबह निकलती थी और पानी घड़े सर के ऊपर 2 रख के, और मैंने जब थर में गया तो मैंने घड़ा सर पे उठाने की कोशिश की, सदीक साहब मैं हकीकत बताऊं कि वो औरतें कमजोर सी औरतें 2 या 3 घड़े उठा के, तो मैंने एक भरा हुआ घड़ा उठाने की कोशिश, मैं आधा मिनट नहीं उठा सकता, उससे क्या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो जाता था, प्रेग्नेंट औरतें जब उठाती थी उनकी अबॉर्शन हो जाती थी। तो हमने मतलब ट्राई की कि हम उनके डोर स्टेप पे जाके हम कुएं बनवाए और उनको हमने मीठा पानी किया, और फिर उस पानी को हम चेक भी करवाते हैं लेबोरेटरी से ताकि, और माशाल्लाह अभी थर जो है पाकिस्तान का बहुत वसी सेहरा है, एक छोटा सा नहीं 28 लाख मुरब्बा मील इसका एरिया है और 18 लाख से ज्यादा आबादी है और स्कैटर्ड विलेजेस हैं, और स्कैटर्ड विलेजेस हैं, किसी में 30 फैमिलीज आबाद हैं, किसी में 40 आबाद हैं, किसी में 50 आबाद है। और फिर माशाल्लाह हम ईद शबरात पे और ईदेन पे या इवन होली जब हिंदुओं की होती है तो उस दौरान भी हम जो है कोई ना कोई उनको रिलीफ का काम पहुंचाते हैं, और ईद पे या रमजान में हम जब अगर मुसलमानों के लिए राशन भेजते हैं तो हिंदू कम्युनिटी के लिए भी राशन भेजते हैं। और इस तरीके से माशाल्लाह मतलब लोगों के जो मुखय्यर हजरात हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, मेरे क्लास फेलोज, मेरे दोस्त और एनजीओस के लोग जो हैं, वो मतलब कभी कभी किसी सिलसिले में 2005 के जलजले से लेके आज तक कभी किसी किस्म की कमी महसूस नहीं हुई कि लोग माशाल्लाह अल्लाह के राह में देते हैं, और उन्हें जब पता चल जाए, क्रेडिबिलिटी हो जाए और उनको पता चल जाए कि उनका पैसा सही तरह जा रहा है, एक पैनी भी जो खर्च करे। और COVID-19 जब मार्च में पाकिस्तान में शुरू हुआ तो यहाँ सारे के सारे हॉस्पिटल बंद हो गए, बहुत बुरे हालात हो गए, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स खासकर सरकारी हॉस्पिटल्स के आउटडोर भी बंद हो गए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लिनिक चलते रहे। मैं यहाँ इस्लामाबाद में भी पेशेंट देखता रहा खुद भी, और लाहौर में भी हमारा हॉस्पिटल चलता रहा, हमारी डिस्पेंसरीज में भी इलाज होता रहा, और फिर हमने हजारों खानदानों को कोविड के दिनों में रिलीफ मुहैया किया। अभी ग्लोबल गिविंग फाउंडेशन ने हमारे काम को देख के स्पेशल ग्रांट भी हमें उन्होंने दी है। ग्लोबल गिविंग फाउंडेशन आपको पता ही है USA की माशाल्लाह बहुत बड़ी ये NGOs हैं जो लोगों के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए अपना डोनेशन इकट्ठे करती हैं और फिर वो हमें डिस्बर्स करती हैं।
तो इस तरीके से माशाल्लाह खिदमत का इलाज का सफर गुज़श्ता 3 दहाइयों से जारी है। 2016 में काम तो अल्लाह की रजा के लिए करते हैं कि 2016 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे इन्हीं सोशल खिदमत की बिना पे सितारा इम्तियाज का एजाज दिया, और फिर इस साल जो 2020 में पाकिस्तान का सेकंड बिगेस्ट जो सिविल अवार्ड है हलाले इम्तियाज, जो अभी 23 मार्च जो आएगा तो मुझे मिलेगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह दिन के वक्त मैं एक कस्टम ऑफिसर होता हूँ और अपनी ड्यूटी पूरी तनदेही से सर अंजाम देता हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि मुल्की रेवेन्यू में इजाफा हो। हमने माशाल्लाह अभी आजकल आज के दौर में इमरान खान के दौर में उनकी विजन के मुताबिक हम स्मगलिंग को भी कंट्रोल कर रहे हैं, मुल्की रेवेन्यू भी सारे पूरे हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह जैसे आप बेटर पाकिस्तान के लिए कोशिशें कर रहे हैं, हम भी बेटर पाकिस्तान के लिए, सेफ पाकिस्तान के लिए जो इकोनॉमिकली भी सेफ हो और जहां स्मगलिंग ना हो बल्कि लोग जायज तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, तो इसके लिए पूरी कोशिशें जारी हैं और इसमें हुकूमत का हम तआवुन। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि मैंने जो तब्दीली इमरान खान साहब से भी रहता रहता है, जो तब्दीली हमने महसूस की है जो बेटर पाकिस्तान में, क्यों मैं कह रहा हूं कि बेटर पाकिस्तान है कि पिछले अदवार में शायद पॉलिटिकल गुफ्तगू तो नहीं, पिछले दौर में होता था कि जो सरकार जो गवर्नमेंट के लोग होते थे या जो क्लोज सर्कल होते थे गवर्नमेंट के, वो सरकारी दफातर में दंदनाते हुए आते थे और अपना काम भी करवाते थे, बदतमीजी भी करते थे, मगर इमरान खान के दौर में ये हुआ है, ये चेंज आया है, ये बहुत बड़ी तब्दीली है। आई हैव टोल्ड दिस टू इमरान खान आल्सो कि हमारे ऑफिसेज में कभी अब कोई हुकूमत का कितना बड़ा से बड़ा आदमी हो वो इस तरह नहीं आता। अब अगर किसी को कोई काम भी होता है तो वो दरख्वास्त करते हैं कि जी ये हमारा काम है, और जायज काम के लिए और गलत काम के लिए तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता इस तरह का। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सोशल वर्क की मैं आपको बात बताऊं कि पाकिस्तान में देने वालों की कोई कमी नहीं है, कोई मसला नहीं है। हमारा माशाल्लाह इधर बाराको में हॉस्पिटल है, वहाँ हम डेली दस्तरखान भी चलाते हैं, वहाँ सैकड़ों लोग रोजाना खाना खाते हैं, और फिर हमने दूसरे वेलफेयर के सिलसिले भी शुरू किए हुए हैं। इसी तरह लाहौर में भी सिलसिला जारी है, हमारे मोबाइल हॉस्पिटल हैं वो भी हैं, और थर के इलाके में हमारी डिस्पेंसरियाँ हैं, चतराल में हमारी डिस्पेंसरियाँ हैं, बन्नू में, नौशहरा में, झंग में, मुल्तान में, मुजफ्फरगढ़ में। तो इलाज और खिदमत का ये सफर जारी है। और फिर मैं एक राइटर भी हूँ, मैंने आपको बताया, आपने भी शो किया कि मैंने तकरीबन 26 बुक्स लिखी हैं, और मेरी सारी बुक्स। आपकी डॉक्टर साहब आपकी बुक्स की बात करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, आपका ये पानी का दिखाते हैं लोगों को कुछ, फिर तनवीर साहब हमारे साथ हैं आपके ग्रीन फार्म्स की, उन्होंने वो सुन भी रहे हैं इसको आगे, हम वो जो आपने इनिशिएटिव लिया है कि 30% वो रखेंगे बाकी दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस आइडिया को आगे कैसे इनहांस कर सकते हैं आपस में कोलैबोरेशन से। तो ये आपका आपने जो क्लिप भेजा था ये साफ पानी का, ये दूसरों को दिखाते हैं, ये क्या आपका। बेटों सुखिदमत का चलो पैमान करते हैं, बालों मतार के लिए कुर्बान करते हैं। बेटों सुखिदमत का चलो पैमान करते हैं, बालों मतार के लिए कुर्बान करते हैं। आओ तलाशे दोस्तों हर भूखी प्यासी जान को, बांटे गमों का बोझ हम, लौटाएं फिर मुस्कान को। आओ तलाशे दोस्तों हर भूखी प्यासी जान को, बांटे गमों का बोझ हम, लौटाएं फिर मुस्कान को। जिंदा हो अजफर सीरते उस्मान करते हैं, कुर्बान करते हैं, बेमान करते हैं, कुर्बान करते हैं, बेमान करते हैं, कुर्बान करते हैं। बेटों सुखिदमत का चलो पैमान करते हैं,
मालूमता रब के लिए कुर्बान करते हैं। पहचाने उम्मते मुस्लिमा वो उस्वाए अंसार है, राहे फला तस्कीन जा वो जज्बाए ईसार है। पहचाने उम्मते मुस्लिमा वो उस्वाए अंसार है, राहे फला तस्कीन जा वो जज्बाए ईसार है। उनकी तरह तकसीम का ऐलान करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया हुआ है। ये जो ग्रीन फार्म्स हैं आपके थरपारकर केस के लिए, हमारे साथ तारिक तनवीर साहब ने फैसलाबाद से ज्वाइन किया है, अभी मैं उनको साथ लाता हूं। तो हम बात करते हैं कि इस वाले कॉन्सेप्ट को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, कोई पॉसिबिलिटी है नहीं है, फिर आपस में आप दोनों लोगों का आपस में जुड़ना बहुत जरूरी है। मैंने उनसे जी तारिक तनवीर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है जी, आप खैरियत से हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, माशाल्लाह आप पाकिस्तान बेटर पाकिस्तान के लिए जो काम कर रहे हैं, अभी मैं सुन रहा था बड़ा मजा आ रहा था कि आप बहुत बड़ा काम के लिए आपको सलूट पेश करते हैं सर, आपको बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। ये खुश रखे आप साहब। तारिक तनवीर साहब ये ना सीईओ ऑफ एग्री टूरिज्म पाकिस्तान के हैं, ये फाउंडर हैं, छोटे छोटे किसानों को पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे पूरे सारा साल मेले इवेंट्स करते रहते हैं, हर चीज का मेला। जब मैं तो इनसे नई नई चीजें सुनता हूँ कि इस चीज का भी पाकिस्तान में दिन, गुड़ का भी दिन है, ये एप्पल का डे है, ये मैंगो डे है, ये मतलब मेरा नहीं ख्याल के कोई दिन रह गया होगा पूरा साल में। मैं इनसे मिलूंगा जी, इनसे रब्ता करूंगा तारिक साहब से। तारिक साहब मैं अभी मैं फैसलाबाद में कलेक्टर रहा हूँ 2 साल पहले ना, जी फैसलाबाद में जी। तो इंशाल्लाह आपके वो जो हैं जिन्होंने तुर्की पे किताबें भी लिखी हुई है वो डॉक्टर साहब, उनसे तो मेरा रब्ता रहता है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ही है जी। डॉक्टर साहब बेसिकली जो अभी सदीक साहब से जो मैं बात कर रहा था, हम डिस्कस कर रहे थे कि जो आपका ग्रीन फार्म का जो कॉन्सेप्ट है, तो हमने जो देखा है कि फार्मर जो आप उनको कुएं खुदवा के जब फार्मिंग कराते हैं तो जितनी मर्जी कीमती चीज वो ग्रो कर लेना, अगर उनको बेहतर मंडी नहीं मिलती, बेहतर मार्केट नहीं मिलती, तो उनको उनकी मेहनत का मुआवजा नहीं मिलता। तो किसान सबसे ज्यादा इस बात पे खाना गया ना। तो वहां एग्री टूरिज्म अगर उनके फार्म को हम ब्रांड कर दिया जाए, फार्मर को ब्रांड कर दिया जाए, उनको वैल्यू एडिशन उनकी प्रोडक्ट्स खा दी जाए और अपनी प्रोडक्ट को वैल्यू एड्स करके अपनी प्रोडक्ट को ब्रांड कर दें और अपने फार्म को इस तरह डिजाइन करें कि टूरिस्ट वहां पे उनके फार्म के ऊपर जाना शुरू कर दें वहां पे जी, बिल्कुल। और जब उनके फार्म से चीजें खरीदेंगे तो फार्मर को उनकी कीमतें बेहतर मिलेंगी और साथ में होम स्टे का आइडिया हम वहां पे लगा दें कि हर फार्म के ऊपर छोटे छोटे नेचुरल रिजॉर्ट्स बना दें कि जो टूरिस्ट पूरी पाकिस्तान से जाएं उनके फार्म के ऊपर ठहरें, उनको पैसे पे करें, उनकी प्रोडक्ट वहां से खरीदें, अपने हाथों से उनकी सब्जियां फ्रूट पिक करके लेके आए, वो जो वहाँ पे अचार चटनियां छोटी प्रोडक्ट्स बनाए वो उनसे खरीदें, तो यकीन जानिए फार्मर की किस्मत बदल सकती है इसी छोटे छोटे आइडिया के साथ सारी पूरी वहां पे। वंडरफुल आइडिया जी तन्वीर साहब, मैं आपसे इंशाल्लाह रब्ता करूंगा और इस पे करें। मगर वहां जो थर में जो सूरत हाल है ना, थर में बहुत ज्यादा गुर्बत है कि वो तो वहां का प्रोडक्ट जो है ना वो वहां के अपने लोगों में ही उनके जो है ना तकसीम हो जाता है
और वहां मतलब है उनके पास खाने के लिए, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए कुछ चीज नहीं है, तो वो ज्यादातर प्रोडक्ट तो जहां से जो प्रोड्यूस होता है उनके अपने लिए ही, अपनी कंजम्पशन के लिए होता है। मगर ये है कि इंशाल्लाह मैं आपसे मिलके हम कोई बनाते हैं, तो मैं साल में कोशिश होती है एक दफा मेरा भी चक्कर लगाए, मेरी टीम तो जाती रहती है, हमने वहां घर भी लिया हुआ है और टीम उधर स्टे भी करती है, तो आपसे इंशाल्लाह मैं रابطہ करूंगा और फिर इस पे हम देखते हैं कि इसको आगे लेके कैसे चल सकते हैं। इंशाल्लाह हम छोटे छोटे वहाँ पे फेस्टिवल्स उनके फार्म के ऊपर उनको आइडिया दें कि छोटे छोटे फेस्टिवल्स करें, और टूरिज्म सर जहाँ पे टूरिज्म जाती है ना वहाँ पे पैसे इंजेक्ट होके आते हैं, अगर कोई बंदा जाता है वहाँ पे नाइट स्टे करेगा, उनके खाने खाएगा, वो उसको पे करेगा फार्मर को इन्हीं चीजों के सारे, और ये जो उनकी इनकम ये उनकी किस्मत बदल देगी सारी, छोटे छोटे जी, पैसे जो। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अभी माशाल्लाह पाकिस्तानी फौज, उधर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी गए हुए थे वहां, थर में मशकें भी हो रही हैं, और थर का सहरा जो है ना मिस्प्राइजिंग किस्म का सहरा है, और वहां से जी मतलब है आपको इस तरह के कलर्स नजर आते हैं, और इतना है लोग जब बारिश हो जाती है वहां, करुंजर पहाड़ है जो, तो वो तो इतना है, पूरा कराची उधर टूरिज्म के लिए वो सैर करने के लिए आता है, तो वो ये जी इंशाल्लाह आपकी यही बात मेरे दिल को लगी है कि इंशाल्लाह सर, इस टूरिज्म का डायरेक्टली फायदा वहां के फार्मर को होना चाहिए जो मेहनत करते हैं फार्मर वहां पे सर। जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपकी ठीक है। जो 150 ग्रीन फार्म्स है ना, ये 150 ग्रीन फार्म्स भी हों, साथ टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बने जे वहां के लोगों के लिए, वही फार्मर जी हो जी ठीक है, उनके घरों में उनके फार्म के ऊपर लोग ठहरे और उनकी चीजें खाएं, छोटे छोटे ढाबे बने हों, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बने हों, और लोगों को वहां पे जो है ना हम फेस्टिवल्स वहां पे अरेंज करें और लोग उनके साथ जुड़े, और कराची के लोगों के लिए इससे बड़ी कोई टूरिज्म साइट नहीं हो सकती जो वो हमारा डेजर्ट है, चित्तर पार्कर का जो डेजर्ट है, क्योंकि हमारा कल्चर, इनका कल्चर बहुत जी, रिच है, बिल्कुल ये अपना बिल्कुल सही कल्चर बात, दिखा सकते हैं, अपनी एग्रीकल्चर को दिखा सकते बहुत रेट। हैं। हाँ जी थार में तो इतने फेस्टिवल होते हैं ना जी, उनके छोटे छोटे, माशाल्लाह हर दिन उनका कोई ना कोई कलर डे होता है, और जी सही उसमें बात है कि वाकई, तो आपसे इस सिलसिले में कोऑर्डिनेट करेंगे जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी बिल्कुल ठीक जी। तो इसमें एग्री टूरिज्म जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पाकिस्तान आपको आपके साथ है, आप जहां पे भी कोई भी इवेंट अरेंज करें हम आपके साथ होंगे, वहां पे कोई ट्रेनिंग करानी है तो इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं इस तरह की ट्रेनिंग कराने में कि फार्मर कैसे अपने फार्म को अच्छी लैंडस्केप करके अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बना सकते हैं, इसके लिए हम वहां पे पूरी ट्रेनिंग कराने के लिए तैयार हैं वहां पे सारे। चलें, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच तारिक जी तंगवी साहब, आपसे डॉक्टर बात साहब करके बहुत। जी, तारिक तनवीर साहब कोई मिसाल दें, कोई एग्जांपल दें डॉक्टर साहब को, ताकि उनको कोई विजुलाइजेशन हो सके, जो लोग वाच कर रहे हैं उनको भी पता चले कि ये भी पॉसिबल है। डॉक्टर साहब इसका बेहतर एग्जांपल तो ये है कि हम डॉक्टर साहब को एक फार्म दिखाएंगे, भाई फेरू में एक 40 एकड़ का फार्मर है जिसने बांस लगाए हुए थे अपने फार्म के ऊपर, उस अच्छा फार्म जी, वो 3 साल के बाद अपना जो है ना वो बेचता था अपने जो बैम्बोस थे। हम कहते हैं कि अच्छा जी, अगर फार्मर को 3 साल के बाद इनकम आती है, अगर बाग लगाया तो 1 साल के बाद आती है, अगर सब्जी लगाई है तो 6 माह के बाद उसको इनकम आती है, लेकिन उसके अखराजात जी जो है ना वो डेली के हिसाब से हैं, उसने बच्चों की फीस देनी है, उसे खाना खाना है, बाकी उसके अखराजात हैं, तो फार्मर की इनकम को डेली के ऊपर लाना बहुत जरूरी है, या उसके मंथली इनकम के ऊपर लाना बहुत जरूरी है। वो जी जो बिल्कुल फार्मर सही है, जिसकी मैं आपको बता रहा हूँ, फार्मर जो है भाई फेरू में, उसने उस फार्म को जो बैम्बो का फार्म था जो बांस लगाए हुए थे, उसने उसके अंदर सड़कें बनाई, उसमें रेस्टोरेंट बनाए, उसके अंदर बच्चों के झूले लगा दिए और वहां पे लोग आना शुरू किया, उन्होंने एडवर्टाइज किया उसको ना सोशल मीडिया पे बाकी जगहों पे। तो अब मैं उसकी सक्सेस स्टोरी जी ये बताना चाह रहा हूँ कि 2000 लोग डेली उस फार्म को विजिट करने जाते हैं, 2000 पीपल डेली एवरेज उस फार्म पे जाते हैं, और 250 रुपया उसके अंदर जाने का टिकट है, यानी वो वो 1.5 करोड़ रुपए की 1 महीने की टिकटें बेचता है वो फार्मर जो है वहां पे। अच्छा, वो आप राणा रिसोर्ट की बात तो नहीं कर रहे हैं? जी, वही एक एग्री टूरिज्म फार्म है ना बेसिकली, एग्रो टूरिज्म डेस्टिनेशन है ना पूरी, अगर बांस जी, दिखा के साथ 1.5 करोड़ रुपए महीने का कमाया जा सकता है, तो बाकी वाई नॉट हम अपने मैंगो के बाग हैं, हमारे ऑलिव के बाग हैं, हमारे सिट्रस के बाग हैं, उनको दिखा के हम कितना बड़ा जो है ना इसके ऊपर जो है ना पैसा कमा सकते हैं इसके ऊपर सारा। चलें, बिल्कुल, बहुत अच्छा आइडिया आपने दिया है, तो इंशाल्लाह इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, मज़ीद आपके साथ
कोऑर्डिनेट करूंगा और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात भी करते हैं। मैं तो लाहौर आप आए तो कभी इस्लामाबाद आना हो तो जरूर रब्ता करें। आपका नंबर मेरे पास सिदीक साहब ने दिया हुआ था तो मैं इंशाल्लाह आपसे रब्ता करूंगा इस सिलसिले में। हम तो हमेशा कहते हैं कि एक बंदा अकेला होता है, दो 11 होते हैं, 111 होते हैं और हमेशा मिलके काम करने का इम्पैक्ट भी अल्लाह ताला बरकत भी डालता है तरह चीजों। जी बेशक, वेरी राइट जी, आपने बिल्कुल सही बजा फरमाया। तो इंशाल्लाह मिलके इसको मजीद बेहतर बनाएंगे। तारिक तन्वीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप दोनों पहले मैंने नंबर शेयर किया था, अब आप दोनों जुड़ गए हैं आपस में तो इंशाल्लाह इस पे बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक तन्वीर साहब, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ रहें या आप जाना चाहें जा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह ये दिन में पूरा कस्टम पे काम, एफबीआर में काम करते हैं, फिर शाम और सोशल वर्क करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ माशाल्लाह आप ऑथर ऑफ 26 बुक्स हैं, तो ये कहाँ से डेवलप हुई, ये टाइम इसके लिए कहाँ से निकलता है और ये बुक्स लिखना तो बड़ा काम है। मैंने तो एक लिखी है तो मैं तो जैसे कहते हैं मैं जी किताबें जी माशाल्लाह लिखने पढ़ने का शुरू से ही पहले दिन से ही शौक है। मेरे वालिद साहब हाई स्कूल के हेडमास्टर थे मेरे और माशाल्लाह अभी अलाइव है, माशाल्लाह हयात है, सरगोधा में हम रहते हैं। तो उन्होंने पहले दिन से ही मैं मुझे किताबें पढ़ने का शौक दिलवा दिया था और उनसे ये वर्से में मिला और फिर मैं जहाँ जाता हूँ ना जी वो लिख लेता हूँ। डेली की डायरी जो है ना, मेरी सारी बुक्स जो है वो डेली डायरियां हैं, खिदमत और इलाज की डायरियां हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अपनी कुछ किताबें और मेरी किताबों के नाम जो है ना, ज्यादातर बुक्स के नाम तीन हरफी हैं। जैसे ये थर प्यास और पानी है, ये थर में जो है प्यासे थर को मीठे पानी के कुएं से शराब करने की दास्तान अजीमत है। इसमें सारा हमने लिखा है कि थर में कैसे हमने काम किया, कैसे शुरू किया और कैसे ये जारी है, कैसे हमने कुएं बनाए और क्या उन लोगों के एहसास थे, जज्बात थे। और ये दवा गजा और शिफा, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ मगर साथ साथ आई बिलीव इन अदर अल्टरनेट मेडिसन, ये मेरी हाउस होल्ड बुक है और ये इसके तकरीबन 50,000 से ज़्यादा कापियाँ छप चुकी हैं। और इसमें मैंने मुख्तलिफ तरीका इलाज और फिर हम हर्बल पे मैं पूरा यकीन रखता हूँ और मैं हर्बलिस्ट भी हूँ। हमने अभी एक बनाया कोरोना के लिए, हमने एक सीरप डेवलप किया था, हल्दी, उसमें हल्दी थी, ऑलिव ऑयल था और शहद, वो माशाल्लाह चेस्ट के लिए बड़ा इफेक्टिव साबित हुआ और कई लोगों को उससे फायदा हुआ। और फिर ये मेरी बुक जो है जर्नी टुवर्ड्स अल्लाह है और ये हज का सफरनामा है कि दिस आई रोट दिस बुक ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ हज। वो जो फीलिंग्स होते हैं वो सारा ये उर्दू में भी थी, इंग्लिश बाद में हुई। तो अभी जो मेरी लेटेस्ट बुक आई है जो आजकल, वो है हादसा मसीहा और जिंदगी। और ये किताब जो है ना, ये मेरा हादसा हुआ था 18 जून को, अल्लाह ने बस नई जिंदगी दी, वहीं कार्डियक अरेस्ट भी हो गया और फिर वेंटिलेटर पे भी रहा मगर अल्लाह ने नई जिंदगी दी। और बीमारी के दौरान भी मैं माशाल्लाह हॉस्पिटल में रहते हुए इसको लिखता रहा और फिर जो जो एहसास हुए कि कैसे अल्लाह ने करम किया वो इसमें सारा है। और ये मेरी किताब है जी रब रहम, डॉक्टर साहब आपकी ऑडियो नहीं आ रही, मान के मेहमान, ये भी हज का सफरनामा है और ये भी मैंने ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ हज लिखा था। जी आ रही है जी आवाज, अब ठीक है, अब ठीक है, हेलो, माशाल्लाह वेरी गुड। जी 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 हाँ जी, ये मेरा है, हमने सीरियन रेफ्यूजीज के लिए भी काम करते हैं, शाम तुर्की हिजरत और खिदमत, ये किताब है कि हमने सीरिया में तुर्की में जाके सीरियन रेफ्यूजीज हैं उनके रिलीफ के लिए काम किया, फिर सीरिया गए जो तुर्की के अंडर कंट्रोल में इलाके थे वहां जाके उनकी खिदमत हमने की। तो ये सारा सफरनामा तुर्की का है, हिजरत और खिदमत, आईडीपीज की, हमने आईडीपीज की खिदमत की और ये उसकी दास्तान है कि सोविजिस्तान में जब 2014 में लोग अपने घरों से आ गए थे और तो वो मैंने ये हिरा हिजरत और खिदमत, ये मेरी मेरे साथ जो बच्ची है ये एक आईडीपी बच्ची थी,
कैसे वो एक कैंप में हमें मिली थी, तो फिर ये हमारे साथ बाद में शामिल हो गई और उनके साथ मिलके काम किया। सवात में ऑपरेशन हुआ था तो मैंने सवात हिजरत और खिदमत के नाम से किताब लिखी। तो ये सारी बुक्स जो है माशाल्लाह बहुत मशहूर हैं, लोग इन्हें बड़े शौक से पढ़ते हैं। इसके अलावा मैंने टीन एजर्स के लिए किताब लिखी है, टीन एज टिंगलिंग्स इंग्लिश में, और बाद में उसको मैंने बचपन लड़कपन और भोलपन के नाम से उर्दू में शाया करवाया, टीन एज गाइड के नाम से भी छपी। तो मेरा मामूल ये है कि किसी भी सफर में मैं जब जाता हूँ तो डेली की दास्तान के पूरे दिन में क्या हुआ, हम कहाँ गए, कहाँ हमने कैंप लगाया, कितने लोगों का इलाज करवाया और वहाँ क्या सूरत हाल थी, इलाके की क्या सूरत हाल थी, वहाँ किस चीज की कमी थी। तो मैं सोने से पहले या सुबह फजर की नमाज से पहले उठ के वो सारा कलम बंद कर लेता हूँ और फिर वो बाद में जाके कंपोज करा के वो किताबी सूरत में सारे खुद ब खुद किताब बन जाती है। और अभी 18 जून को जब हादसा हुआ तो मैंने 4-5 दिन के बाद जब मुझे होश आ गया तो मैंने नोट्स लेने शुरू हो गए थे। मेरी छोटी बेटी थी वो माशाल्लाह रिकॉर्ड कर लेती थी और बाद में वो फिर कंपोज होके तो हादसा या और जिंदगी की सूरत में किताब का क्लिप भी आपने देखा होगा तो वो माशाल्लाह। तो इस तरीके से सिद्दीक साहब खिदमत और इलाज का जो सिलसिला है जारी और सारी है और इंशाल्लाह जब तक जान में जान है लोगों की खिदमत का। अब तो सेकंड माशाल्लाह जनरेशन मेरे बच्चे जो है, मेरी बेटी बड़ी डॉक्टर यमुना माशाल्लाह वो सरकारी ड्यूटी भी कर रही है एज ए वुमन मेडिकल ऑफिसर, और शाम को मेरे क्लिनिक में जो मैं लाहौर में बैठता था वो वहाँ बैठ के मरीजों का फ्री इलाज करती है। बेटी माशाल्लाह बीएस में है, वो भी डेंटल डॉक्टर बन जाएगा। छोटी बेटी लंग्स में है, वो इंशाल्लाह मेरी तरह सीएसएस करेगी। तो इस तरह ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी हुई है इंसानियत की खिदमत की, और खिदमत में अजमत है कि जब आप किसी के काम आते हैं, जब किसी का काम करते हैं। और कि मैंने शुरू में भी कहा था कि जो मेरा ख्याल है शायद ही किसी हिस्से में हो, और फिर वो मदद करके आप जगह जगह आपको दस्तरखान नजर हैं कि लोग वजीरा खवातीन उल्तान ने किताब का तारुफ मैं आपकी खिदमत में कराना चाहता हूँ। ये किताब है डॉक्टर आसिफ महमूद जाह साहब की। ये सितारे इम्तियाज हैं, हिलाले इम्तियाज हैं और बड़े बाकमाल आदमी हैं और बहुत हौसले वाले बड़े साबित कदम हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ कि इनमें कमाल क्या है। किताब का नाम है हादिसा, मसीहा और ज़िंदगी। पूरी ज़िंदगी इनकी इंसान की खिदमत में गुजर गई और गुजर रही है। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। ये डॉक्टर साहब ने अपने पेशे नज़र रखा हुआ है इकबाल का ये शेर, और खिदमत पर मामूर हैं। पिछले दिनों इनका एक एक्सीडेंट हुआ, बहुत ही शदीद ये व्हील चेयर पर आ गए और एक क्रिटिकल वक्त था, मौत के मुंह से निकल कर आए, लेकिन फिर भी इन्होंने इस ममलिकत में रहने बसने वालों की खिदमत में ज़र्रा बराबर कमी नहीं की। यह है बड़ा कमाल डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब ने किताब लिखी और उन्होंने बताया कि कैसे कैसे मौके ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन इन नाजुक मकामात के आने के बावजूद इंसान को इंसानियत से अपना ताल्लुक नहीं काटना चाहिए और अपना रुख अल्लाह की तरफ बिल्कुल सीधा रखना चाहिए। इन्ना सलाती व नुसुकी व माहयाया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन। डॉक्टर साहब आप खिदमत कर रहे हैं पाकिस्तानियों की, इस मुल्क में रहने बसने वालों की, हम आपको सलाम पेश करते हैं। खिदमत का चलो पैमान करते हैं, बालों मता रब के लिए कुर्बान करते हैं। बेलो खिदमत का चलो पैमान करते हैं, बालों मता रब के लिए कुर्बान करते हैं।
आओ तलाशे दोस्तों हर भूखी प्यासी जान को, बांटे गमों का बोझ हम लौटाए फिर मुस्कान को। आओ तलाशे दोस्तों हर भूखी प्यासी जान को, बांटे गमों का बोझ हम लौटाए फिर मुस्कान को। जिंदाओ अजबर सीरते उस्मान करते हैं, बेमान करते हैं, कुर्बान करते हैं, बेमान करते हैं, कुर्बान करते हैं, बेलों सुखिदमत का चलो पैमान करते हैं, मालूमता रब के लिए कुर्बान करते हैं। पहचाने उम्मत मुस्लिमा वो उस्वाए अंसार है, राहे फला तस्कीन जा वो जज्बाए ईसार है। पहचाने उम्मत मुस्लिमा वो उस्वाए अंसार है, राहे फला तस्कीन जा वो जज्बाए ईसार है। उनकी तरह तकसीम का ऐलान करते हैं, कुर्बान करते हैं, बेलों सुखिदमत का चलो पैमान करते हैं, मालूम मतारब के लिए कुर्बान। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी माशाल्लाह जी आपका ये, जी मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है जी, सॉरी वो डिस्कनेक्ट हो गया था। बात नहीं डॉक्टर साहब, ये माशाल्लाह ये अब तीन काम करते हैं रोज के कम अज कम। जी जी जी, जी अपना एफबीआर में काम करते हैं कस्टम्स में, फिर ये अपना सोशल वर्क काम करते हैं, फिर अब राइटर हैं, डेली राइट करते हैं। तो आम बंदा तो कहता है कि जी मेरे पास तो टाइम ही नहीं, मैं मसरूफ जॉब में, तो ये कैसे आप उनको क्या सबक देंगे, ये जो हमारे जैसे निकम्मे लोग हैं वो जो इनको डिवाइड ही नहीं कर सकते सही तरह अपने लिए। नहीं आप तो माशाल्लाह लोगों को बताते हैं ना जी, आप तो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाते हैं। यूथ को ये वाला मैसेज कैसे देंगे, अपने जो अपनी जो लाइफ अल्लाह ताला ने दी है इसको सिस्टम में डिवाइड करके कर रहे हैं, कुछ दूसरों की खिदमत कर रहे हैं, तीसरा लोगों को ये आप जो बुक्स लिख रहे हैं, ये आप तीन काम मिनिमम कर रहे हैं ना, फैमिली का टाइम तो एक सेपरेट चीज है। जी जी देखें जी, इंसान अगर कुछ करना चाहे ना, अगर जज्बा हो कि मैंने कुछ करना है, कुछ कंट्रीब्यूट करना है, दूसरों के लिए कुछ करना है, दूसरों की खिदमत करके, तो आदमी कर सकता है। इसके लिए अल्लाह रिसोर्सेज भी दे देता है। मैंने और मैं फैसलाबाद से पोस्ट होके आया था, तो मस्जिद के एक कमरे ऐसा एक तनावर पूरे मुल्क में बल्कि दुनिया भर में हमारा काम जारी है। तो जब बंदे में अज्म हो, जज्बा हो कि मैंने कुछ करना है, कुछ कंट्रीब्यूट करना है, दूसरों की भलाई के लिए काम करना है, तो अल्लाह ताला रास्ते खोल देते हैं। कुरान पाक में है ना, फिर अल्लाह ऐसी जगह से देते हैं जहां से बंदा गुमान भी नहीं कर सकता। तो ये है कि आपने दूसरों छोटा से छोटा काम भी देखें, आपने किसी को हॉस्पिटल का रास्ता दिखा दिया, किसी को उसने इमरजेंसी में जाना है इमरजेंसी का रास्ता दिखा दिया, किसी से आपने हंस के बोल लिए, और किसी को आपने मेडिसिन ला के दे दी, किसी को एक हमने अपना रोजगार स्कीम अभी शुरू की है कि हम कार्ड्स लेके रेड़ियां बनवा के और उसमें वो लोगों को हम रेड़ी देते हैं, अपना रोजगार स्कीम शुरू करने के लिए देते हैं। थर में हमने बकरी पाल स्कीम शुरू की है, माशाल्लाह हम बकरी लेके 20-25 हजार की एक बकरी मिल जाती है और विडो को हम देते हैं ज्यादातर, और वो विडो एक तो अपने बकरी का दूध अपने बच्चों को पिलाती है, और फिर बकरी साल में दो दफा बच्चे देती है, एक बकरी की एक साल में 5 बकरियां बन जाती हैं, उनके सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाता है और वैसे भी गजाई जरूरत भी बच्चों की पूरी होती रहती है। तो अगर आप काम करना चाहिए, रिसोर्सेज की फिक्र ना करें, बस अज़्म कर लें मैंने करना है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला रास्ते खोलते हैं, आपको साथी भी मिल जाते हैं। अकेला ही चला था जानवी मंजिल के लोग आते गए और काफिला बनता गया, तो मेरे साथ भी यही मैंने जैसे बताया कि मस्जिद के कमरे से 98 में जब मैं पहले क्लिनिक्स तो मुल्तान और फैसलाबाद में शुरू किए थे, तो मस्जिद हमारे पास बल्कि मेरे पास रहने के लिए जगह भी नहीं थी, अपने इन लाज के हाँ एक महीना ठहरा तो वो
फिर कस्टम कॉलोनी में घर भी मिल गया और मस्जिद का एक कमरा खाली पड़ा था, तो मैंने मस्जिद के जो थे हमारे लोग उनसे मैंने कहा जी इधर मैं क्लिनिक करना चाहता हूँ, फ्री क्लिनिक करूँगा। और उन्होंने कहा जी आप कर दें, शुरू कर दें। माशाल्लाह हमने वहाँ से शुरू किया और अल्लाह ने फिर घर भी दे दिया, लाहौर में भी घर मिल गया, इस्लामाबाद में भी घर मिल गया और दूसरी जगहों पर भी जो है ना ये सारे सिलसिले, गाड़ियाँ नहीं थी आने जाने के लिए वो भी अल्लाह ने दे दी। तो अभी हमारे पास माशाल्लाह मोबाइल हॉस्पिटल भी है, दो मोबाइल हॉस्पिटल है, एक मोबाइल हॉस्पिटल ऐसा भी है जिसमें आई का ऑपरेशन थिएटर भी है मुख्तलिफ जगहों पे। अभी हम साउथ वजीरिस्तान गए हुए थे पूरे डॉक्टर्स की टीम के साथ, वहाँ हमने ऑपरेशन भी किए, मेडिकल कैंप भी लगाए और अंगूर अड्डा तक हम गए जहाँ जाने का तसव्वुर भी नहीं बंदा कोई कर सकता। ये हादसे के बाद मैंने पहला सफर किया। तो ये है कि अगर दूसरे की मदद करने का जज्बा जो है इस्लाम में, तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि खैरुन्नास मन यन्फाउन्नास, आप में से बेहतर इंसान वो है जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, दूसरों की बेहतरी के लिए काम करता है। तो ये है कि आप स्टूडेंट हैं, आप कोई छोटा से छोटा काम भी आप शुरू कर सकते हैं। छोटा अभी एक दोस्त ने बड़ा अच्छा, मतलब उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगा कि नई नई बातें जहन में आती हैं, उन्होंने तंदूरों में ना एक बॉक्स सब ला के रख दिया, उसका नाम लिखा नेकी की टोकरी, कि अगर आप अपनी 10 रोटियां अपनी लेने आए हैं तो एक रोटी का पैसे इसमें डाल दें। तो साथ ही एक लगा दिया कि जी नेकी की टोकरी है, उसमें एक जगह पैसे रखे हुए हैं, एक जगह रोटियां या नान रखे हुए हैं, कि जिसको रोटी की जरूरत है वो ले जाए और जो देना चाहता है वो दे दो। वो तो वो उन्होंने बताया कि हमने एक तंदूर से शुरू किया था, अब तकरीबन आसपास के 20 तंदूरों में ये काम शुरू हो गया है। और फिर वो जो नान लगाने वाला है वो कहता है कि मैं भी कंट्रीब्यूट कर देता हूँ। तो इस तरीके से अगर 1000 रोटी मेरी नान रोज बिकता है तो 200 नान जो है वैसे ही अल्लाह के रास्ते में फ्री चले जाता है। तो अल्लाह ने वैसे भी कारोबार में बरकत दे दी है। तो ये है कि छोटे से छोटा भी काम आप करें और दूसरों की बेहतरी के लिए करें, दूसरों को हंस के बोलना, अच्छे तरीके से मिलना, अच्छे तरीके से, माथे पे शिकन नहीं आनी चाहिए, अपने घर में अपने बच्चों के साथ सही तरीके से आप पेश आए और ये तरबियत आप करें, तो इंशाल्लाह ये जो है एक दूसरे के काम आके, आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर फिर भी अगर आप एक स्टार्ट करना चाहें, किसी की खिदमत का काम, किसी के काम आने का सिलसिला आपने करना है तो आप करें, इंशाल्लाह उसमें अल्लाह ताला जरूर बरकत देगा। डेफिनेटली माशाल्लाह जी, बेशक। तो इसमें आप चले थोड़ा सा पर्सनल भी पूछ लें, आप बच्चे तो माशाल्लाह आपको मतलब आपके मॉडल को अडॉप्ट कर रहे हैं ताकि वो नेक्स्ट ट्रांजिशन हो जाएगी, स्मूथली चलता रहेगा, एक तरह की लेगेसी चलती रहेगी। फैमिली के लिए टाइम कैसे निकलता है ये सारा कुछ करने के बाद? जी जी, बस बड़ा ये शुरू में तो बच्चे जो है ना वो माशाल्लाह, बच्चे मेरी वाइफ जो है माशाल्लाह बड़ी सपोर्टिव है माशाल्लाह उन्होंने, और मैंने फिर पहले दिन से ही जो 2005 उस वक्त जब जलजला आया तो हम जब जाया करते थे तो जरा थोड़ी सी मुश्किल आती थी, फिर मैंने बच्चों को साथ लेना शुरू कर दिया। मैंने कहा आप मेरे साथ चलें, आप चाहे आए देखें मुसीबत में बच्चों का क्या हालात था। वो माशाल्लाह बच्चों की तरबियत इस नहज पे हुई ना, फिर बच्चों ने उनके लिए गिफ्ट बनाने शुरू कर दिए, अपने दोस्तों से रब्ता करना शुरू कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का वाइफ ने ख्याल रखा, अल्लाह ने मेहरबानी की, उनकी तालीम भी बेहतरीन, बेहतर तालीम मिली, बच्ची डॉक्टर बन गई, बेटा भी डॉक्टर साल बाद बन जाएगा और छोटी बेटी लम्स में है। तो थोड़ा बहुत इग्नोर जरूर हुए हैं जो जैसे टाइम देना चाहिए था, बेटे को मैंने हाफिज़ कुरान भी बनाया तो वो कभी कभी शिकायत जरूर करता है कि बेटियों को ज्यादा तवज्जो दी है मुझे नहीं। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी फैमिली लाइफ है, आई एम वेरी हैप्पी, अल्लाह ने बड़ा करम किया है, बहुत मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरी फैमिली ने, मेरे वालिद साहब की सपोर्ट आज तक, उनकी दुआएं, वालिद वालदा दोनों माशाल्लाह हयात है, ये मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ और उनकी दुआओं के तफैल, उनकी बरकत से अल्लाह ताला चला रहा है और ये सिलसिला खिदमत का और इलाज का जब तक जान में जान है इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा, और आगे चलाने के लिए इसको लेगेसी विल रिमेन इंशाल्लाह, दूसरी जनरेशन तैयार है और माशाल्लाह वो बिल्कुल उन्होंने कमान भी संभाल ली है,
पीछे से मुझे होता ही नहीं, बल्कि अब जब मैं जाता हूँ ना तो कभी कभार मुझे थोड़ी सी वो भी हो जाती है, वो कहते हैं कि वो डॉक्टर यमुना नहीं आ जाई, डॉक्टर साहब मैं हमने तो डॉक्टर यमुना मेरी बेटी है जी, तो मुझे अच्छा भी लगता है, तो थोड़ी सी एज ए प्रोफेशनल जेलसी वाली भी फीलिंग होती है कभी कभार, तो मगर ये है कि अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह की इतनी इनायत है कि मैं तो एक सरगोधा से उठ के अल्लाह ने करम किया, FSC सरगोधा गवर्नमेंट कॉलेज से करके, और मेरे वालिद साहब की मेहनत थी और उनकी जिस तरीके से उन्होंने मुझे चलाया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आके इधर से विदाउट ए ब्रेक, पहले दिन से सोच लिया था कि जब सिविल सर्विस में आए कि मैंने डॉक्टरी से अपना रابطہ रखना है, क्योंकि बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स जो हैं, बहुत सारे डॉक्टर आए हमारे, अक्सर साथी ऐसे हैं कि वो डॉक्टर साहब नाम भी लिखना चाहते, तो मैं डॉक्टरी तो मेरा प्राइड है और मेरा पैशन है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये सिलसिला हमेशा जारी सारी रहेगा। नहीं माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब इसको हमारे प्रोग्राम को ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत सारे देखते हैं ऑल ओवर द जी वर्ल्ड, तो जी आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये क्या मैसेज देना चाहेंगे, हम चूंकि हमारे थोड़ा टाइम रह गया, तो उनको कैसे इंगेज करना चाहेंगे आपके ये अच्छे काम में, वो कैसे जी, देखिए सिद्दीक साहब, ऑलरेडी हमारा काम जो है ये बेस करता है ओवरसीज पाकिस्तान की सपोर्ट पे। हमारा जब भी कोई नया प्रोजेक्ट, जैसे वाटर वेल का प्रोजेक्ट शुरू किया मैं जब 2014 में, तो मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं अमेरिका में हैं, यूएसए में, कनाडा में हैं, और यूके में हैं, सऊदी अरेबिया में हैं, जो मेरे क्लास फेलोज हैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। बहुत सारे पाकिस्तानी सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी जो एनजीओज हैं वो सपोर्ट करती हैं, ग्लोबल गिविंग फाउंडेशन अमेरिका की बहुत बड़ी एनजीओ है, वो उस पे हमारे 6 प्रोजेक्ट हैं, उसमें लोग हमें डोनेशन देते हैं। और ओवरसीज पाकिस्तानियों को देखें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपने प्यारों को साले सवाब पहुंचाना चाहते हैं, और अपने या किसी के सदका जारिया के लिए आप पानी पिलाना, किसी को प्यासे को पानी पिलाना, या पानी का इंतजाम कर देना, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि बेहतरीन सदका जारिया है। और एक कुआं जो हम बनाते हैं थार के सहराओं में, ये 50 साल तक लोगों की प्यास बुझाता रहता है। और फिर हमने माशाल्लाह ना सिर्फ हम कुएं बनाते हैं, उनकी मेंटेनेंस का और सुपरविजन का भी हमने इंतजाम किया हुआ है, हमारी टीम उधर मौजूद है, और वो जब भी कोई कुआं किसी का पानी कम हो जाए तो वो आके रिपोर्ट करते हैं, और पूरी टीम हमारी वहां पहुंचती है और जाके उसको ठीक करती है। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों की हमें सपोर्ट चाहिए, मजीद सपोर्ट चाहिए। अभी हमने, जैसे मैंने शुरू में बताया कि हमने जलजला जदगान के लिए और सैलाब जदगान के लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हमने घर बनाए। थर में बहुत सारे लोग बेचारे छोटी छोटी झोंपड़ियों में रहते हैं, अभी हाल ही में सैलाब आए थे तो हमने वहां घर बनाने शुरू किए हैं, और छोटा सा एक कमरे का घर जो है ना 60-70 हज़ार रुपये में बन जाता है, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, मगर ये है कि उनके लिए वहां जहाँ वो चोरे हट सी बना के वो बेचारे रहते हैं, वहां हादसात भी होते रहते हैं, तो हमने सांप भी आ जाते हैं और वो वही उनका उड़ना बिछोना होता है, तो उनके लिए जो भी कर सकें, हमारी ये अपना रोजगार स्कीम है जिसमें हम कार्ड्स लेके देते हैं छोटी सी, किसी को दुकान का, या फिर बकरी पाल स्कीम है उसमें तावन कर सकते हैं। हम मसाजिद भी हमने खासी माशाल्लाह बनाई है, और फिर स्कूल हमारे थर में चल रहे हैं, डिस्पेंसरीज हमारी पूरे मुल्क में तकरीबन 43 के करीब जो डिस्पेंसरीज हैं वो चल रही हैं, तो इस तरीके से किसी भी आप हमारे साथ तआवुन कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आई एश्योर यू के आपके एक एक पाई जो आप अल्लाह के रास्ते में देंगे वो उसी लिए खर्च होगी, और लोगों की भलाई के लिए, लोगों की फलाह के लिए, क्योंकि गुरबत जो है ना पाकिस्तान में, खासकर बलोचिस्तान में, बलोचिस्तान में भी माशाल्लाह हमने बड़ा काम किया है जी, बलोचिस्तान में भी हमारी डिस्पेंसरीज भी हैं, हमने वहाँ वहाँ सैलाब ज़दगान के लिए भी, बेहतरी के लिए, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए काम किया, और वहाँ पानी का सिलसिला है, जो कुआं है जो मैनुअली ड्रिवन वाटर वेल है, उसका खर्चा उस तकरीबन 2 लाख रुपए में वो बन जाता है, अगर आप इस पे उसको बनाना चाहते हैं सबमर्सिबल पम्प, और ये सोलर पैनल के लिए चलने वाला, उस पर 3 लाख का खर्चा है,
और वो ये माशाल्लाह एक आपके अतिये से बना हुआ कुआं जो इसको आप डेडिकेट कर सकते हैं अपने जो वफात पा चुके हैं उनके नाम या किसी के लिए सदका जारिया भी, ये बेहतरीन सदका जारिया की किस्म है। और तो इन 2 से 1.5 महीने 1.5 से 2 महीने लगते हैं एक कुएं के बनने में और कुआं चलता रहता है और साला साल तक आपके प्यारों को सवाब पहुंचाने का। अभी रमजान शरीफ 2 महीने बाद आ रहे हैं, रमजान शरीफ में तो एक कुआं का अगर आप बनाएंगे तो 70 कुओं का सवाब मिलेगा। तो इस सिलसिले में आपसे तावन है, एक सदीक साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे मौका दिया बेटर पाकिस्तान में अपनी सारी बातें करने का, बहुत अच्छा लगा। मैं पिछले 2 हफ्ते से इंतजार में था, हमारे सदीक साहब हैं जो लाहौर से, उन्होंने मुझे कहा था कि सदीक साहब के साथ रब्ता करें, मगर हमारा रब्ता तो 2 साल पहले ही था। तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आपके साथ बातें हुई, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मैं अपने आप को फील कर रहा हूँ, बहुत इलेटेड फील कर रहा हूँ माशाल्लाह। जिस जिसने ये सुना है प्रोग्राम तो वो आप सब पाकिस्तानी जो हैं, सदीक साहब माशाल्लाह दियारे गैर में बैठ के पाकिस्तानी क्यों की बेहतरी के लिए, बेटर पाकिस्तान के लिए कुछ, तो हम सब ने कंट्रीब्यूट करना है। पाकिस्तान अकेला, इमरान खान भी जो है वो कोशिश कर रहे हैं मगर अकेला बंदा तो कुछ नहीं कर सकता, जब तक सारे मिलेंगे नहीं उस वक्त पाकिस्तान बेटर बल्कि बेस्ट पाकिस्तान फिर ही बनेगा। जब हम सब मिलकर एफर्ट करेंगे और नेक नीति से काम करेंगे तो अल्लाह भी खुश होगा और फिर अल्लाह के बंदे भी खुश होंगे। जी बिल्कुल, बेशक इसमें कोई शक नहीं। चौधरी सदीक खाला साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं पब्लिकली आपको सलाम करता हूँ। जी, जी बिल्कुल, मेरा भी सलाम जी उनको, क्योंकि वो इसका बायस बने हैं इस इंटरव्यू का वो। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये वेबसाइट है, मैंने काफी दफा शो की दरमियान में, लें customshealthcaresociety.org.tk, इस पे विजिट करें। माशाल्लाह बहुत सारे काम वहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं, डोनेट का बटन भी है और क्वेश्चन हो पूछें बिल्कुल डॉक्टर साहब से, इनकी टीम से, इनका काम जाएं चेक करें। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि बहुत सारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी उनकी फैमिली का कोई ना कोई मेंबर बाहर पाकिस्तान में होता है, उनको कहीं लोकल लेवल पे आपस में मिल के देखें कि नीड क्या है, इंगेज काम करें। तो डॉक्टर साहब लास्ट फ्यू मिनट्स में, हमारे जो यूथ हैं यूनिवर्सिटियों में बहुत सारे माशाल्लाह अपने अपने प्रोफेशनल, आप भी प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, तो उनको कोई अखलाकियात का जिसमें हुसन सलूक से किसी से पेश आना है और साथ किसी का दर्द को सुनना है वर्सेस के नहीं नहीं मैं सारी सोसाइटी बदल रही है, उसमें भी कोई ये भी कार्य खैर का हिस्सा है कि वो माशरे में इंसान शुरू करता है। जी जी बिल्कुल, आपने जबरदस्त बात की। हमारा 26 जनवरी को होता है कस्टम डे होता है, जिसमें आपने वो मेरी तस्वीर भी लगाई थी, जिसमें मैंने फौजी वर्दी, वो हमारी भी यूनिफॉर्म सर्विस हो गई है तो वो मैं पहनी हुई थी। आज भी मैं सोचता रहा कि मैं वर्दी पहन के इंटरव्यू दूंगा आपको ये बगैर वर्दी, तो फिर मैंने ऑप्ट यही किया कि बगैर वर्दी की। तो मैं अपने यंग ऑफिसर्स को मैं एक ही बात कह रहा था, तो मैंने उन्हें कहा कि लोगों को रिस्पॉन्ड जरूर किया करें। आपके पास कोई साइल आता है, आपके पास कोई काम आता है, काम उसका आपने एज पर कस्टम एक्ट ही करना है, मगर रिस्पॉन्ड जरूर दिया करें। फाइल पे बैठ ना जाया करें, फाइल को लेके रख के आपसे कोई मतलब, यू हैव टू बी ए गुड लिसनर, के लोगों के मसाइल जरूर सुने, उसको अच्छी हेयरिंग दें, उसको फौरन बुला लें। ये ना कि अफसरी में पहले दिन से ये हो कि बाहर आपके सिपाही ने उसको बिठाया हुआ है 2 घंटे के लिए और वो आपको मिलने ही नहीं दे रहा। लोगों की बात जरूर सुने, लोगों को रिस्पॉन्ड जरूर करें, और इस तरीके से जब आप करेंगे, देखें अगर आपने बताना है किसी अच्छे तरीके से भी बताया जा सकता है ना, लठ मार के तो नहीं कि वो आपसे कोई चारपाई मांगने आ गया तो मारे एक थे तो कि वो कहता जी चारपाई तो मेरे को है मगर तेनू नहीं मैं देनी। तो ये है कि आपने लोगों को रिस्पॉन्ड करें, उनके मसाइल सुने और उनको हल करने की कोशिश करें। अल्लाह ने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया तो वो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने यंगस्टर्स को यही कहता रहता हूँ कि लोगों के साथ इंटरेक्शन करें, लोगों को हंस के मिलें और खुशी से मिलना, मुस्कुरा के मिलना, ये भी एक सदका जारिया है।
और जब आप इस काबिल हैं कि लोगों के काम, अब मैं होता हूं नहीं जी अपने कस्टम हाउस में बैठा होता हूँ, तो अक्सर लोग जो है ना जिनका काम नहीं होता, मेरे से रिलेटेड भी नहीं होता ना, तो वो आके मेरे दरवाजे के आ जाते हैं जी कि डॉक्टर साहब ये फलां से काम है, मगर हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। तो बात लोगों की जरूर सुने, उनके अगर आप नहीं भी कर सकते ना फिर भी बात तो सुन लेना, बात सुन के, और फिर अगर आप, आपको अल्लाह ने इस मुकाम तक दिया है या आपने अल्लाह जी, मेरे ख्याल कोई ऑडियो का मसला हो गया जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ महमूद जा साहब आपका। इसी के साथ आज का टाइम ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह फिर किसी गेस्ट के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। इन द मीन टाइम अपना ख्याल रखें, रबी फैमिली का, अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।